ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज मेरे संज्ञान में है। सुनाई दे रहा है आप सबको? सुनाई दे रहा ना, ये चीज मेरे संज्ञान में है, इसका रिकॉर्ड भी मेरे पास पूरा संज्ञान में है। अभी इसमें दो प्रकरण कायम हुए, एक माणक चौक में, ठीक है, उसमें मैं खुद भी गया था रात में उससे बात करने के लिए, जो आपके कारीगर लोग थे साथों से, और इसके अलावा एक स्टेशन रोड पे कायम हुआ है। इन दोनों में हम जल्दी चालान पेश करेंगे, संभवतः हम ये साल खत्म होने से पहले इन दोनों में चालान पेश कर देंगे और कोशिश करेंगे इनका निराकरण कोर्ट से भी जल्दी हो। इसमें जितनी गवाही है आप लोगों की, हम लोगों को यही पता चाहिए होगी कि गवाही आप लोगों की लगेगी इसमें, तो आप लोग स्वयं उसमें उपस्थित रहें और जिस भी दिन कोर्ट की तारीख हो उसमें तुरंत जाके गवाही दें, और इसका जितनी जल्दी निराकरण होगा हम उतनी जल्दी इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने इसका रिकॉर्ड भी निकलवा लिया, जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो भी होगी। अभी मुझे कुछ सूचना मिली है कि आप में से कुछ लोग किसी डर या भय के कारण अपना काम करने नहीं जा रहे, ऐसा डर और भय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप में से जिसको कोई भी दिक्कत हो मेरा नंबर लिख लो यार, 70 49 12 77 62, 70 49 12 77 62, ठीक है। आप जो प्रदीप शर्मा, ठीक है, आप जो जिसको लग रहा है कि इस तरह की कोई हरकत करते हैं, तो इसमें मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ। आप में से ही कुछ लोग, जिनका मैं नाम भी नहीं लूंगा और इस बड़े प्लेटफॉर्म पे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आप में से ही कुछ लोग उनका सहयोग कर देते हैं आगे पीछे से, ये बहुत गलत बात है। आप में इस तरह का जो भी आदमी है उसकी पहचान खुद करिए कि ये हमारे बीच में रह के हमारा ही नुकसान कर रहा है, और अगर आपको इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो आप बिना नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस पर भी कार्रवाई करूंगा। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे बड़ा हथियार आपका खुद का फोन है, हर फोन में देख रहा हूं सबके पास वीडियोग्राफी वाला फोन है। अगर आपको ऐसी कोई चीज लगती है कि आप लोगों के साथ कोई घटना कर रहे हैं, आगे पीछे आके आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप फ्री हैं शिकायत करने के लिए, आपकी तत्काल शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। और जैसे आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे ही कोई घटनाक्रम होता है तो मैंने देखा है कि आप लोग मोस्टली एक गुट बना के रहते हो, अकेले नहीं जाते हो, तो एक आदमी उसमें से रिकॉर्डिंग चालू कर दे, वो रिकॉर्डिंग मेरे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। उसके बाद चाहे कोई गवाही दे या ना दे, वो रिकॉर्डिंग के दम पे हम सजा करा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अपना काम करिए, आप यहाँ काम करने आए हैं, अपने ईमानदारी से काम करिए। जो भी आपको शंका होती है, समस्या होती है, आप 100 पे फोन लगा सकते हैं, मुझको फोन लगा सकते हैं, थाना प्रभारी को फोन लगा सकते हैं, CSP साहब को फोन लगा सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत तो कल से बढ़िया, सब लोग जाइए काम देखें। सर जैसे हम लोग थाने जाते हैं ना तो गुट बना के पीछा करता है, हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो रास्ते रास्ते में पकड़ के मार देते, निकालना मुश्किल है, ऐसा रिपोर्ट निकलेगा। यही चीज मैंने अभी बोली है, अगर आप या आप लोग 4-5 लोग हमेशा साथ में रहते हो, जैसे ही कोई घटना होती है अपना कोई भी जा, एक आदमी साइड होके, जैसे पुलिस के साथ कभी होता है पुलिस होती है, एक आदमी खड़े होकर वीडियोग्राफी करना चालू करिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, बाकी सब हम लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं यही बात बोल रहा था, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोग क्योंकि बाहर से आए हैं, ये कानूनी प्रावधान भी होता है कि आप लोग बाहर से आए तो हमको सूचना दें, अपना पहचान पत्र दें। अगर ऐसा कोई आदमी है जिसने अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो वेरी गुड, बाय बाय।